गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स के इवेंट्स जितने भी 2022 के अंदर हुए थे। नाउ अब स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इस करंट अफेयर की क्लास को हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर जो एक्टिविटीज हुई थ्रू आउट द वर्ल्ड उन्हें कवर करेंगे, और हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं टॉपिक्स पे बने रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हम टेनिस से। तो अब यहाँ पे अगर हम टेनिस की बात करें तो टेनिस के अंदर जितनी भी बड़ी टूर्नामेंट्स हैं इन्हें हम ग्रैंड स्लैम्स बोलते हैं, और टेनिस की लैंग्वेज में इन्हें मेजर्स बोला जाता है, और टोटल 4 ग्रैंड स्लैम्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये जितने भी हम 4 ग्रैंड स्लैम्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, साल के किस टाइम पीरियड में होते हैं उनकी बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ किन कोर्ट्स के अंदर इन्हें खेला जाता है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो मिड जनवरी में स्टार्ट होता है और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन ग्रैंड स्लैम्स पे कि कौन से कोर्ट में है, या फिर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया अरेंज करने के लिए बोला जाता है आपको। तो याद रखिएगा सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी ए पहले ही आता है, तो याद रखना स्टार्ट हमेशा ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद सेकंड इज फ्रेंच ओपन, जिसे रोलांड गैरोस कप भी बोला जाता है, जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। लेट मई और अर्ली जून में ये यूजली प्ले होता है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट विंबलडन। विंबलडन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विंबलडन देखने आते हैं, और इसे यूके ओपन का नाम भी दिया गया है, और ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है जून जुलाई के मंथ में। फिर फाइनल यूएस ओपन अगस्त, इस बार सितंबर में हुआ, हार्ड कोर्ट पे ये खेला जाता है। तो अब बारी बारी से हम देखते हैं कि कौन सा कप किसने जीता था। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन से। यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम टेनिस की बात कर रहे हैं तो टेनिस कोई जो गवर्निंग बॉडी है इसे IFT बोला जाता है। IFT मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। नाउ ये गवर्निंग बॉडी है, और जितने भी टेनिस के इवेंट्स होते हैं जैसे कि वर्ल्ड टेनिस हो गया, व्हीलचेयर टेनिस हो गया, बीच टेनिस हो गया, ये सब का सब गवर्न करती है ITF। अब इसकी फाउंडेशन ITF की 1913 में हुई थी, 1913 में इसकी फाउंडेशन हुई, और उस टाइम पीरियड में इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन। और उस टाइम पीरियड में 12 नेशनल टेनिस एसोसिएशंस इसके साथ जुड़ी थी। कब की बात कर रहा हूं, 1913 की। और 1913 में इंडिया के अंदर आपको पता है क्या ही कंडीशन थी उस टाइम पीरियड में, आजादी के लिए लड़ रहे थे हम, फाइन। और अब जो आज की डेट की अगर हम बात करें तो अराउंड 211 एसोसिएशंस इस ITF के साथ, 211 एसोसिएशंस इस ITF के साथ रजिस्टर्ड हैं। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, ITF का हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, आपको मालूम है। और फिलहाल जो ITF के प्रेसिडेंट हैं दैट इज डेविड हैगर्टी। डेविड हैगर्टी इज दी प्रेसिडेंट, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ITF के प्रेसिडेंट डेविड हरगटी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम अब कैटेगरीज की। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेनिस की, तो टेनिस के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं, जिसमें मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मेन्स डबल, विमेन डबल और मिक्स्ड डबल जैसी इवेंट्स होते हैं। और ये सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं ये हमें 4 ग्रैंड स्लैम्स के अंदर कॉमनली देखने को मिलते हैं, एक जैसे देखने को मिलते हैं। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 1 एंड 2, दैट इज मेन सिंगल और विमेन सिंगल, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी एरिया से
पूछे जाते हैं। ना बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की। तो आप देखेंगे काफी बड़ा सा चार्ट बना हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज मेन सिंगल एंड वुमेन सिंगल। अब मेन सिंगल की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की, तो मेन सिंगल के विनर थे राफेल नडाल, स्पेनिश है और इनके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, चैंपियन। और रनर अप रहे इसमें डेनियल मेदवेदेव, जो कि रशियन प्लेयर थे। इनको हराने के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 राफेल नडाल साहब जीत गए। फिर विमेन सिंगल की अगर हम बात करें तो एक काफी टैलेंटेड प्लेयर एशली बार्टी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं ये। मैं टैलेंटेड क्यों कह रहा हूं इतना ज्यादा, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेटर भी रही हैं ऑस्ट्रेलिया से, फिर वो प्रोफेशनल टेनिस में आई, और यहाँ पे भी देख लीजिए आप ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया 2022 का, और डिफीट किसे किया, अमेरिकन प्लेयर थी डेनियली कॉलिन्स को। इन्हें हराने के बाद इन्होंने विमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम कर दिया। मेंस डबल की बात करें, देखिए इन पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, बट ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यूजली आपको इन दो एरिया से ही पूछा जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे मेंस डबल के बारे में बात करते हैं। तो मेंस डबल में निक कायरगोइस, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, और थानेसी कोकिनाकिस, ये भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे। अब इन्होंने किसे हराया, इन्होंने अगेन अपनी ही कंट्री के दो प्लेयर्स मैथ्यू एवडन और मैक्स पुरसेल को डिफीट किया था, और मेंस डबल का टाइटल अपने नाम इन दोनों भाइयों ने कर लिया। भाइयों मतलब ब्रदरहुड की बात कर रहा हूं, रियल ब्रदर नहीं थे। हाँ, आगे बढ़ते हैं विमेंस डबल की बात। तो नंबर वन इज बारबोरा क्रिजिस्कोवा चेकोस्लोवाकिया की, और कैटरीना सिनाकोवा अगेन चेकोस्लोवाकिया की। इन्होंने डिफीट किया एना डेनलिना को, रशियन प्लेयर थी ये, बेसिकली कजाकिस्तान की है, रशिया के साथ के टाइटल लेके खेलती हैं, उसकी कंट्री से खेलती हैं। फिर सेकंड प्लेयर है ब्राजीलियन प्लेयर, दैट इज बीट्रिज हेडड मिया, ब्राजीलियन है, और इन दोनों को हराने के बाद इन्होंने विमेन डबल का टाइटल अपने नाम किया, बारबोरा और कैटरीना ने। मिक्स डबल की बात करें तो कृष्णना मेलाडोनोविका फ्रेंच है, नाम इनका रशियन है पर खेलती फ्रांस से हैं, और सेकंड इवान डोडिक क्रोएशियन प्लेयर हैं, जो इन्होंने हराया जेमी फॉरलिस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर और जेसन कुबलर अगेन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। तो मिक्स डबल का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया। तो मिक्स डबल में यूजली क्या होता है, टू डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर एक साथ खेलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आगे बढ़ते हैं, अब बात यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है पिछले ईयर का भी, पिछले साल का भी। तो पिछले साल की बात हम करें मींस 2021 की, तो उस टाइम पीरियड में मेन सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविक साहब जीतते हैं, जिन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया था। अगेन नोवाक जोकोविक, वेरी वेरी फेमस प्लेयर। नाउ विमेन सिंगल, नायोमी ओसाका यूएस की प्लेयर हैं, जिन्होंने हराया था जेनिफर बार्डी को, काफी लाइमलाइट में रही ये मैडम भी। और यहां पे हम वापस चलते हैं 2022 के प्लेयर राफेल नडाल पे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राफेल नडाल के ऊपर, जिनके बारे में मुझे बताना चाहिए आप लोगों को। अब जब राफेल नडाल की बात मैं कर रहा हूं, तो इन्हें यूजली एक टाइटल दिया गया है, दैट इज द किंग ऑफ क्ले। किंग ऑफ क्ले कहने का मतलब, टेनिस में ऐसा माना जाता है कि क्ले कोर्ट पे राफेल नडाल को हराना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है। तो ये क्ले पे किसी को और को जीतने नहीं देते हैं, इसलिए इनको टाइटल दिया गया है किंग ऑफ क्ले का। और करंटली ही इज वर्ल्ड नंबर टू, मैं राफेल नडाल की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड नंबर टू का स्पॉट अभी इनके पास ही है। और नंबर वन प्लेयर की बात करूं इस टाइम पे वर्ल्ड के, तो दैट इज कार्लोस अल्कराज। तो ये हैं वर्ल्ड के नंबर वन प्लेयर। टाइटल नंबर चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट फिलहाल कार्लोस अल्कराज नंबर वन है, और नंबर टू पे है राफेल नडाल। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है राफेल नडाल के ऊपर, कि अभी तक इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल अपने नाम किए हैं,
और ये बनते हैं वर्ल्ड के ओनली प्लेयर जिन्होंने इतने ज्यादा टाइटल अपने नाम किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की बात करूं तो एक एस्ट्रॉइड स्टोरी भी इनके साथ एसोसिएटेड है। एक एस्ट्रॉइड डिस्कवर हुआ इन द ईयर 2020, सॉरी 2003। 2003 में एस्ट्रॉइड मिला और उस एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया 128036। ये नाम रखा गया इस एस्ट्रॉयड का। अब ये देखिए, किसी एस्ट्रोहेड को 128036 के नाम से बुलाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। अब इस एस्ट्रॉयड का नाम रख दिया गया रफेल नडाल के नाम पे। क्यों रखा गया मैं अभी बताता हूं। क्योंकि एक छोटा सा एस्ट्रॉयड है, अराउंड 4 किलोमीटर का डायमीटर है इसका, और इसकी जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर सेकेंड। तो भाई इसी स्पीड के कारण रफेल नडाल के नाम पे इस पूरे के पूरे एस्ट्रॉइड का नाम रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम की, दैट इज फ्रेंच ओपन 2022। अगेन मेन सिंगल का टाइटल रफेल नडाल, स्पेनियर्ड है, स्पेन के हैं। हमने बात की, हराया किसको, कैस्पर रड को, नॉर्वेजियन थे। इन्हें हराने के बाद फ्रेंच ओपन अपने नाम किया। और फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे होता है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर दी, क्ले कोर्ट पे। तो क्ले का किंग कौन है, रफेल नडाल। तो इनको यहां पे बीट करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल थिंग है। नाउ आगे बढ़े, अगर विमेन सिंगल के बारे में बात करें तो एगा स्वितेक, जो कि हैं पोलैंड की, इन्होंने कोको गॉफ को, जो यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेयर थी, इन्हें डिफीट किया। मेंस डबल का टाइटल मार्सिलो एरवेलो, जो एल्सावेडोर के हैं, और जॉन जूलियन रॉज, जो नेदरलैंड्स के प्लेयर हैं। इन्होंने यहां पे इवान डोडिक, क्रोशियन प्लेयर, और ऑस्ट्रियन कराजिसिक, जो यूएस से खेलते हैं, इन्हें डिफीट किया। नाउ विमेन डबल, कैरोलीन ग्रेशिया फ्रेंच प्लेयर, और क्रिस्टीना मेल्डोनोविक फ्रेंच प्लेयर। इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिन्होंने हराया था यहाँ पे जेसिका पेगोला को यूएस की, और कोको गॉफ यूएस की। फिर मिक्स डबल का टाइटल मिला एना शिबारा जापान की, और विस्ले पुलहोफ नीदरलैंड्स की, जिन्होंने हराया यहाँ पे जोरान बिल्गियन बेल्जियम की, और युरकी इकरी नॉर्वे की प्लेयर। इनको हराने के बाद इन्होंने मिक्स्ड डबल का टाइटल अपने नाम किया था। नाउ फ्रेंच ओपन 2021, अगेन जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल का इवेंट भी हमें थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पिछले साल का भी, क्योंकि पेपर सेटर को तो ये मालूम है कि इस साल को तो भाई पढ़ के आए होंगे, हो सकता है पिछले साल का ना पढ़ा हो, तो हम ये चांस उनको नहीं देंगे। तो 2021 के अंदर मेंस सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविक, जिन्होंने स्टीफनोस सिट्सिपास को डिफीट किया था। और यहां पे जो फीमेल फीमेल सिंगल का टाइटल था बारबोरा कजिकोवा, जिन्होंने एनाटिसिया पवलुकोनोवा को डिफीट किया था। नाउ नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, कि जैसे कि मैंने बात की थी वर्ल्ड नंबर 1 मेल प्लेयर की, तो मैंने आपको बताया था कार्लोस एल्काजार प्लेयर नंबर 1 है इस टाइम पीरियड में। नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे मैंने आपसे बात की थी हमारे रफेल नडाल साहब। तो विमेन की बात करें तो नंबर 1 प्लेयर इस टाइम पीरियड में एगा स्वेटेक, जो कि पोलैंड की प्लेयर हैं। इस टाइम पे करंट वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल इन मैडम के पास है। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम विंबलडन 2022 की। विंबलडन, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है टेनिस के अंदर। और यहाँ पे जो मेन सिंगल का टाइटल था दैट वेंट टू जोकोविक, नोवान जोकोविक, जो कि सर्बिया के प्लेयर थे, जिनके बारे में हमने अभी पीछे बात भी की। ये साहब, इन्होंने जीता इस बार का विंबलडन भी।
नाउ यहाँ पे विमेन सिंगल की बात करें तो राइवा की ना, जो कि कजाकिस्तान की प्लेयर है और खेलती कहां से है, रशिया से, इनको मिलता है विमेन सिंगल का टाइटल। मेंस डबल की बात करें तो एम एबडन और एम पुरसल, और विमेन डबल की बात करें तो के सिनिकोवा और बी क्रिजकोवा, इन दोनों को टाइटल मिला विमेन डबल का। मिक्स डबल में क्रजविक और स्कूपस्की, इन दोनों ने टाइटल लिया मिक्स्ड डबल का। नाउ फिर से अगेन, इन लोगों पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, दो ही याद कर लीजिए आप, मेन सिंगल और विमेन सिंगल, इनसे ही मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2021 में क्या हुआ, 2021 में भाई साहब हमारे नोवाक जोकोविक साहब ने ये टाइटल जीता था, 2021 का भी, 2022 का भी। और यहाँ पे आशली बार्टी ने डिफीट किया था कैरोलिना को विमल्डन 2021 के अंदर, और ये बनी विमल्डन 2021 चैंपियन फीमेल कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम अपने लास्ट ग्रैंड स्लैम की, और ये है हमारा यूएस ओपन 2022। नाउ यूएस ओपन 2022 मेन सिंगल का टाइटल गया कार्लोस एल्कराज ग्रेफिया, पूरा नाम इनका है कार्लोस एल्कराज ग्रेफिया, और मैंने आपको बताया इस टाइम प्रेजेंटली वर्ल्ड नंबर 1 भी यही साहब है, राइट। और विमेन सिंगल टाइटल एगा स्वीटेक पोलैंड की, और ये करंटली वर्ल्ड नंबर 1 है विमेन कैटेगरी में। तो इन दोनों ने, जो वर्ल्ड के नंबर वन प्लेयर हैं मेल फीमेल में, इन दोनों ने यूएस ओपन का टाइटल जीता। मेंस डबल की बात करें तो आर राम और जे सेल्सबरी, और विमेन्स डबल की बात करें के सिनाकोवा और बी क्रिचकीकोवा, इनको टाइटल मिला विमेन डबल का। और विमेन्स डबल की बात करें तो एस सैंडर्स और जे पीर टाइटल जीतते हैं इसका भी। ये मिक्स डबल है, विमेन डबल नहीं है, मिक्स डबल है, मिक्स्ड डबल, टाइप एरर हो गया है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं यूएस ओपन 2021 की, तो 2021 के अंदर डैनियल मेदवेदेव डिफीटेड जोकोविक साहब, बड़ा ही सरप्राइजिंग था ये इस टाइटल 2021 के अंदर, की जोकोविक हार गए डैनियल मेदवेदेव से, और ये टाइटल 2021 में डेनियल मेदवेदेव को मिला। और यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फीमेल सिंगल एमा रेडुकानू ये जीतती हैं एनी फर्नांडिस से। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट, दैट इज ग्रांड प्रिक 2022 की। अब ग्रैंड प्रिक की बात करें तो इंडिया के अंदर भी आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका आइडिया होगा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्मूला 1 की, और इंडिया के अंदर भी अब काफी ज्यादा फेमस हो रही है गेम ये। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको मालूम है कि एक रेस कोर्स बनाया हुआ है जिसे हम बुद्धा सर्किट भी बोलते हैं, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले दिनों में मोटो जीपी, जो वर्ल्ड इंटरनेशनल इवेंट है, वो भी वहां पे होगी। मोटो जीपी जिसमें बाइक्स चलती हैं, तो वो भी वहां पे करवाई जाएगी। तो यूजली वहां पे फॉर्मूला 1 रेसिंग करवाई जाती है, तो हम इसी फॉर्मूला 1 रेसिंग की बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो 2022 का ईयर रहा किसके नाम, मैक्स वेरा स्टेपन के, जो कि रेड बुल टीम के मेंबर हैं और डच हैं, बेसिकली बेल्जियन है ये, और फिर ये यहां से खेल रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इस साल की, जिसमें सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, F1 रेमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2022, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये सब के सब किसके नाम रहे, मैक्स वेरस्टैपेन के नाम। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीते चार्ल्स
लेक्रक जो कि फरारी चलाते हैं और यहाँ पे इसके बाद, और ये बिलोंग करते हैं मोनेको से। फिर बरहेन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो चार्ल्स लेक्रक अगेन फरारी ड्राइवर मोनेको से बिलोंग करते हैं, और मोनेको ग्रैंड प्रिक्स के अंदर सर्गियो प्रेज जो अगेन रेडबुल टीम से हैं और ये मेक्सिको से बिलोंग करते हैं, और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती कार्लोस सेनर्स जो कि फरारी के ड्राइवर हैं, और सिंगापुर सिंगापुर सर्गियो प्रेस अगेन रेडबुल के, रेडबुल इस साल ठीक चलिए। और यूएस ग्रांड प्रिक्स टाइटल 2020 की बात करें अगेन मैक्स वेरस्टैपेन, तो इस साल ये साहब ही सुर्खियों में बने रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आप सबके फेवरेट स्पोर्ट की, दैट इज क्रिकेट। अब क्रिकेट की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आईसीसी ने अपने रिसेंटली अक्टूबर, पिछले मंथ की बात कर रहा हूं मैं, तो अपना मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया, राइट। अब राइट फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर हम देख लेते हैं कि किस किस को आईसीसी, क्योंकि हर मंथ ये अवार्ड देता है आईसीसी, तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं 2022 से। तो जनवरी के अंदर कीगन पीटरसन साउथ अफ्रीका के प्लेयर इन्हें मिला, और यहाँ पे फिर फीमेल की अगर हम बात करें तो हीथर नाइट इंग्लैंड की प्लेयर हैं, इन्हें मिलता है जनवरी 2022 का अवार्ड। फेब्रवरी की बात करें तो श्रेयस अय्यर इंडिया के, और फीमेल कैटेगरी के अंदर एमिलिया कर न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। मार्च बाबर आजम साहब पाकिस्तान के प्लेयर, अच्छे बैट्समैन हैं। उसके बाद फीमेल कैटेगरी की बात करें तो रेशल हाइंस ऑस्ट्रेलिया की, अप्रैल के में केशव महाराज साउथ अफ्रीकन, और आइल्सिया हिले ऑस्ट्रेलिया की। फिर मई में एंजिलो मैथ्यूज श्रीलंकन प्लेयर, और तोबा हसा ये हैं अपनी पाकिस्तान की। जून के मंथ में जॉनी बारस्टो इंग्लैंड, और साउथ अफ्रीका की फीमेल कैटेगरी में मैरिजाना काप। जुलाई के मंथ में प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के प्लेयर, और एमा लैम इंग्लैंड की प्लेयर। अच्छा, कोई क्रिकेटर फैन है अगर क्लास के अंदर भी जो पढ़ देख रहा है लाइव वीडियो, तो मुझे प्लीज बताइएगा ये प्रभात जयसूर्या कोई रिलेटेड तो नहीं है अपने सनत जयसूर्या के, कोई होगा तो मुझे प्लीज बताइएगा, थोड़ा सा मैं क्यूरियस हो गया हूँ इसको इनका नाम सुन के। और अगस्त के अंदर सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के प्लेयर, और ताहिलिया मैकग्रा, देखिए यहाँ पे भी मैकग्रा थे, और मैं अपने टाइम की बात करूं तो हमारे टाइम पे भी मैकग्रा थे, बड़े टेंटली बॉलर थे, हम तो देखा करते थे उनको, मैकग्रा साहब थे। तो अब ये उनसे रिलेटेड तो नहीं, ये भी आप मुझे बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया की। ये भी सितंबर के मंथ में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन, फिर हरमनप्रीत कौर ब्रिलियंट बैट्समैन ऑफ फीमेल कैटेगरी इंडिया की हरमनप्रीत कौर, और अक्टूबर में किंग कोहली दैट इज विराट कोहली, जैसा नाम वैसा काम, और पाकिस्तान की निदा दार पाकिस्तान की। तो अक्टूबर मंथ के अंदर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट कोहली और निदा दार को मिला ना। अब यहाँ पे जब क्रिकेट की बात चल ही रही है तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी गवर्निंग बॉडी की। तो आपको तो मालूम ही रहेगा कि क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है इसे हम आईसीसी के नाम से जानते हैं। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब इनिशियल डेज में अगर मैं आईसीसी की बात करूं तो इसकी फाउंडेशन 1909 में हुई। 1909 में इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और उस टाइम पीरियड में तीन कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इन तीनों ने मिलकर ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनाई थी 1909 में। 1965 में, ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको इसकी, 1965 में इसका नाम बदल के आईसीसी कर दिया गया, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, राइट। नाउ कॉन्फ्रेंस एक काउंसिल कब बनी है, ये बनती है 1900
87 में, तो 1987 में इसको कॉन्फ्रेंस से आईसीसी को काउंसिल से कॉन्फ्रेंस से काउंसिल कर दिया गया। तो आज की डेट में हम किस नाम से जानते हैं इसे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से। तो 1987 में आज इसका बना था ना। अब यहां पे हेडक्वार्टर्स की बात करूं मैं आईसीसी के, तो दुबई में, यूएई, यहां पे हमें इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। और चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो कि प्रोफेशनली एक एडवोकेट हैं, कमर्शियल लॉयर हैं, और ऑकलैंड न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इससे पहले ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के, जैसे हम वहां के डायरेक्टर थे, ठीक है, तो बाद में यहाँ पे इनको डायरेक्टर बनाया गया आपके हमारे आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2015 का, और उसके बाद एलिवेटेड टू द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। तो प्रेजेंट चेयरमैन ग्रेग बार्कले। ना आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कुछ और अवार्ड्स की जो आईसीसी ने ईयर 2021 में दिए थे। नाउ ईयर 2021 के अंदर आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया मोहम्मद रिजवान को, पाकिस्तान के प्लेयर जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी। इसके बाद आईसीसी विमेन्स 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर विमेन कैटेगरी के अंदर टैमी ब्यूमोंट जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। इसके बाद आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ईयर ऑफ द ईयर को दिया गया जे मलान साउथ अफ्रीका। देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आईसीसी इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सना पाकिस्तान की। फिर आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम। अवार्ड तो सारे पाकिस्तान को मिल गए और पाकिस्तान रोता रहता है कि आईसीसी इंडिया के कब्जे में, अजीब ही बात है। और सिक्स नंबर पे आईसीसी विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो लिजली ली साउथ अफ्रीका की प्लेयर। और सेवन नंबर पे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो जो रूट साहब, डेडली बैटमैन, डेडली प्लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। इसके बाद हम बात करते हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। हमारे लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला रहा, हम थोड़े दुखी हुए। ये थोड़ी मेमोरी अभी ताजा ही होंगी आपकी क्योंकि रिसेंटली ही कंक्लूड हुआ है। तो इट वाज द 8th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप, राइट। तो ये 8th एडिशन था और होस्ट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। और जो सिटीज इसे होस्ट कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की, एडलेड, ब्रिस्बेन, गिलोंग, होबर्ट, मेलबर्न, पर्थ एंड सिडनी, और इसमें टोटल 16 टीम्स ने खेला। और सरप्राइजिंगली इसमें वेस्टर्न इंडीज की टीम नहीं थी क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाई, बड़ा सरप्राइजिंग रहा इस बार। और फाइनल मैच जो था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया और इंग्लैंड के कैप्टन थे जोस बटलर साहब। अब इंग्लैंड ने ये टाइटल जीतते हुए सेकेंड टाइम इस वर्ल्ड कप को जीता क्योंकि 2010 और 2022 का टाइटल इंग्लैंड के पास ही रहा। और इस टूर्नामेंट के अंदर आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड गया सैम करेन को। और प्लेयर ऑफ द मैच, या जिसे हम इंडिया के अंदर मैन ऑफ द मैच भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो सैम करेन इंग्लैंड के। और हाईएस्ट रन स्कोरर थे विराट कोहली। सारा के सारे क्रिकेट के फैन काफी ज्यादा खुश हुए कि कोहली साहब की, या किंग कोहली साहब की जो फॉर्म थी वो वापस आई। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर भी विराट कोहली साहब ने 296 किया था। और हाईएस्ट विकेट टेकर रहे डब्लू हसरंगा जो कि श्रीलंका के प्लेयर, 15 विकेट। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री जिन्होंने 4000 रन कंप्लीट किए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में आपसे, भाई ये एक ऐसा एक
अचीवमेंट है जो अभी तक किसी ने नहीं की है। तो विराट कोहली जिनके बारे में कुछ लोग पिछले दिनों बात कर रहे थे कि ड्रॉप कर दिया जाए, तो उनके मुंह पर भी ये थप्पड़ था कि भाई देखो 4,000 रन कंप्लीट किए और किसी ने आज तक ये नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम हिस्ट्री की थोड़ी सी, किसकी, 2020 वर्ल्ड कप की। तो जब अगर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो जो फर्स्ट एडिशन था इसका, ये खेला गया श्रीलंका के अंदर, जो फर्स्ट T20 मैच था 2007 में, और जबरदस्त मैच था। आप में से किसी को याद होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये टाइटल इंडिया हो गया था पहला, जो कप था धोनी कैप्टनशिप के अंदर, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप के अंदर इंडिया को गया था ये टाइटल, और इन्होंने हराया किसको था, अपने आर्च राइवल पाकिस्तान को, राइट। और इस जैसा मैच दोबारा कभी नहीं हो सकता। हाँ, इसके बाद जो आने वाले दिनों में T20 है, 2024 का वर्ल्ड कप है, ये वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर खेला जाएगा। करंटली कहाँ खेला गया, करंटली खेला गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आने वाला टाइम पे जो खेला जाएगा 2024 का, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। नाउ विनर्स पे बात कर लें एक बार कि आज तक किस किस ने टाइटल जीते हैं। तो फर्स्ट टाइटल इंडिया के पास, सेकंड पाकिस्तान, 2010 का इंग्लैंड के पास, 2012 का वेस्ट इंडीज के पास, 14 का श्रीलंका, 16 का वेस्ट इंडीज, 2021 का ऑस्ट्रेलिया, और 2022 का इंग्लैंड। इसमें से इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के पास ये टाइटल टू टू टाइम्स हैं, दो दो बार इन्होंने टाइटल जीते हुए हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स की। अब इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स की बात करूं तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे ऋषभ पंत साहब की। तो ऋषभ पंत बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन कीपर टू रीच 100 डिसमिसल्स इन टेस्ट, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जी का रिकॉर्ड तोड़ा, ब्रेक किया। तो यहां पे ऋषभ पंत के नाम पे अब ये रिकॉर्ड है कि ही बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन कीपर 100 डिसमिसल करने वाले टेस्ट के अंदर। जसप्रीत बुमराह ये फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बने जिन्होंने ओवरसी टेस्ट में 100 विकेट्स ली। फिर आते हैं मोहम्मद शामी साहब, जो कि फिफ्थ इंडियन पेसर बने जिन्होंने 200 टेस्ट विकेट्स ली हैं। विमेन एशियन कप की बात करें 2022 की, तो इंडिया के लिए खुशखबरी ये रही 2022 के अंदर कि इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने इस कप को जीता और रनर अप रहे श्रीलंका। अब इसका फाइनल मैच बांग्लादेश में सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला इंडिया की दीप्ति शर्मा जी को। फिर प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका सिंह, अगेन इंडिया के, काफी अच्छा खेला था इंडिया ने और लड़कियों ने हमारा नाम रोशन किया, लड़कों ने डुबो दिया, लड़कियों ने रोशन कर दिया था। ना आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग इवेंट स्टार्ट की आईसीसी ने, और यहां पे इसे स्टार्ट किया गया बाय आईसीसी इन 2019। इससे पहले ये कभी होती नहीं थी टेस्ट में चैंपियनशिप, क्योंकि जो कि जो रियल गेम है क्रिकेट की, दैट इज द टेस्ट मैच, राइट। और इसको आज की डेट में काफी हद तक इग्नोर किया जाता है, बट टेस्ट मैच इज ऑलवेज बेटर। नाउ जो रियल क्रिकेट फैन है वो अभी भी टेस्ट मैच ही देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो 2019 में इसको शुरू किया गया, इस चैंपियनशिप को। ना यहां पे इसके अंदर जो मोस्ट विकेट ली पैट कमिंग्स ने, 104 मोस्ट रन बनाए इसके अंदर जो रूट ने, 2,835। और फॉर्मेट क्या रहता है, इसमें होते हैं टेस्ट मैचेस बिटवीन द टेस्ट प्लेइंग नेशन। और करंट चैंपियन की बात करूं तो ये है हमारा न्यूजीलैंड, जो कि फर्स्ट टाइटल इसी को मिला था। और यहां पे एक दुख की बात ये है कि इसके अंदर न्यूजीलैंड ने
इंडिया को ही हराया था, क्योंकि फाइनलिस्ट इंडिया और न्यूजीलैंड ही थे इस चैंपियनशिप के। और जैसा कि मैंने बताया, इसका फर्स्ट एडिशन 2019 से 2021 तक खेला गया, और नेक्स्ट एडिशन जो है इसका 23 से 25 तक चलेगा, और इसमें टोटल 9 टीम खेलती हैं। नाउ 2023 के अंदर जो फाइनल मैच रहेगा, इसको डिसाइड कर लिया गया है कि ये ओवल इंग्लैंड में खेला जाएगा। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओवल इंग्लैंड में या कौन सा ग्राउंड है जहां पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है 2023 का। ना अब बात करते हैं हम आईपीएल की, आईपीएल दैट इज इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की। अब 2022 के अंदर जो ये आईपीएल हुआ, इसे 15th सीजन बोला जाता है। अभी तक टोटल 15 हो गए, राइट, इसको मिला के। और इसमें जो विनर रहे, ये रहे गुजरात टाइटंस, जो कि उनका पहला टाइटल, फर्स्ट टाइटल था इनका। और फाइनल के अंदर इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को हराया था। और कुल मिला के आईपीएल 2022 में 10 टीम्स ने प्ले किया, और इसमें भी सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर थे विराट कोहली। दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं आईपीएल में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पे। तो ऑरेंज कैप मिली जॉश बटलर को, जिन्होंने स्कोर किया 863 रन्स। और पर्पल कैप किसे मिलती है, हाईएस्ट विकेट टेकर को, तो युजवेंद्र चहल को, 27 विकेट ली इन्होंने। और मोस्ट बाय अ स्पिनर इन एंड आईपीएल सीजन, आज तक किसी भी स्पिनर ने किसी भी आईपीएल सीजन में इतनी ज्यादा विकेट्स नहीं ली थी। नाउ अब यहाँ पे जो दूसरे अवार्ड्स हैं, कौन कुल मिला के सारे अवार्ड मिलते हैं आईपीएल में, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, फेयर प्लेयर प्ले अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, मोस्ट सक्सेस अवार्ड, बट हम ज्यादा सब पे फोकस नहीं देंगे, क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है, और एग्जाम में ऑरेंज और पर्पल के बारे में ही पूछा जाता है, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में ही पूछा जाता है। 2021 की बात करूं, मैंने आपको बताया पिछला साल हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, पिछले साल कौन सी टीम जीती, चेन्नई सुपर किंग, और हराया किसे, कोलकाता नाइट राइडर को, और मैच हुए थे दुबई के अंदर, राइट, फाइनल मैच भी दुबई के अंदर था, और यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग 2021 का कप जीती थी। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आईपीएल से रिलेटेड। क्यों मैं यहाँ पर रखे हैं एमसीक्यूज, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कई बार मैंने बड़े एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन देखे हैं आईपीएल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं, आपकी भी क्रिकेटिंग नॉलेज चेक हो जाएगी कि क्या क्या है। और फर्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो फर्स्ट एमसीक्यू, विच प्लेयर हिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस इन आईपीएल 2022, तो पहला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस इन आईपीएल 2022। तो भाई पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा क्रिकेट भी देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ क्रिकेट लविंग नेशन, और हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं वो भी क्रिकेट देखते हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। नाउ अब यहाँ पे आंसर ऑप्शंस हैं, जॉश बटलर, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, और इसका करेक्ट आंसर है जॉश बटलर। जॉश बटलर को याद रखिएगा, 2022 में सबसे ज्यादा सिक्स मारे थे इन्होंने, इनको याद रखिएगा इनका नाम। आगे बढ़ते हैं, विच टीम हैज वॉन द मैक्सिमम आईपीएल टाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा टाइटल आज तक जीते मुंबई इंडियन ने, कुल मिला के फाइव टाइटल्स अभी तक मुंबई इंडियन जीत चुकी है। और थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द लीडिंग विकेट टेकर इन आईपीएल लीग। देखिए विकेट टेकर आईपीएल लीग की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम युजवेंद्र चहल की। मैंने आपको बताया आज तक इतने विकेट्स नहीं लिए किसने भी आईपीएल के अंदर,
तो युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा विकेट ली थी। और क्वेश्चन फोर है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन आईपीएल 2022 के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर, एनीवन ऑफ यू? अभी मैंने बताया आपको, विराट कोहली साहब। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विच टीम हैज बीन मैक्सिमम टाइम रनर अप। बुरी किस्मत है ना, सबसे ज्यादा कौन हारी फाइनल में पहुंचने के बाद? तो चेन्नई सुपर किंग। बैड लक रहा इनके लिए, चेन्नई सुपर किंग मैक्सिमम टाइम हारी है आज तक आईपीएल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स 2022 स्पोर्ट्स कैटेगरी में। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हमें थ्रू आउट 2022 देखने को मिली, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर वन, ज्योति यारा जी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लॉक सब 13 सेकेंड्स इन 100 मीटर हर्डल। तो 100 मीटर हर्डल किसमें होती है, कौन सा इवेंट है, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए 100 मीटर हर्डल किसमें होगा। तो यहां पे ज्योति यारा जी, ये बनती है इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने 13 सेकेंड में कवर किया 100 मीटर हर्डल को। फिर आता है नाम पंकज अडवाणी साहब का। पंकज अडवाणी अ वेरी वेरी फेमस प्लेयर, किसके हैं, बिलियर्ड्स के। और यहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल लाया इंडिया के लिए 2022 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप के अंदर। इसके बाद एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात करूं तो एशियन कप ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं और 2023 में कतर करेगा होस्ट, और इंडिया और सऊदी अरेबिया शॉर्टलिस्ट हुआ है 2027 में AFC एशियन कप के लिए। फिर बात करते हैं फीफा, फीफा की अगर हम बात करें तो 2023 के अंदर वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है और इसका मैस्कॉट, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैस्कॉट्स पे, मैस्कॉट किस गेम का कौन सा रहेगा, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का जो मैस्कॉट फीफा ने अनवील किया, फीफा फुटबॉल आपको मालूम ही है, तो ये है तजूनी। तजूनी अ फन फुटबॉल लविंग पेंगुइन, याद रखिएगा फन फुटबॉल लविंग पेंगुइन जो है मैस्कॉट फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का। इसके बाद the host country of 2023 FIFA Women's World Cup, Australia and New Zealand। तो अगले साल जो Women World Cup होने वाला है FIFA का, इसको host करेंगे Australia और New Zealand। और एक surprising चीज जो हमें देखने को मिली, development देखने को मिली, वो है Saudi Arabia, ये बनेंगे host 2029 के Asian Winter Games के in New Ski Resort रोजिना। तो यहां पे ये इनको होस्ट करेंगे विंटर गेम्स को। और इसके साथ इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो इंडिया में 2022 में फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम हेल्ड हुई, स्टार्ट हुई मध्य प्रदेश के अंदर। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां स्टार्ट होने जा रही है, कहां हेल्ड होने जा रही है, दैट इज मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेशनल गेम्स की बात करें, ये भी वन लाइनर के अंदर ही कवर करेंगे इनको, नेशनल गेम्स को। और 2022 के अंदर 36th नेशनल गेम्स हुई हैं, और ये हुई कहां, गुजरात के अंदर। और इसमें जो सर्विसेज की टीम रही ये रही टॉप पे, क्यों, क्योंकि अराउंड 128 मेडल सिर्फ सर्विसेज ने ले लिए जिसमें 61 गोल्ड थे। और टॉप की थ्री टीम्स जो थी सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा की टीम्स, राइट। इससे पहले पंजाब का नाम भी कई बार आया करता था नेशनल गेम्स में, बट अब थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है उनका। नाउ 37th का वेन्यू भी डिसाइड कर दिया गया है, 37th नेशनल गेम जो कि 2023 में होगी, ये होंगी हमारी गोवा के अंदर। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। और अगेन मैस्कॉट की बात की, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैस्कॉट हमेशा ही पूछे जाते हैं,
तो 36 नेशनल गेम का जो मैस्कोट था दैट वाज सवाज। सवाज गुजराती भाषा के अंदर शेर के कब को बोला जाता है, शेर के बच्चे को, ठीक है, जो छोटा शेर होता है उसे सवाज बोला जाता है गुजराती लैंग्वेज के अंदर। और एंथम की अगर मैं बात करूं तो ये था एक भारत श्रेष्ठ भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थीम और मोटो रहा इन 36 नेशनल गेम्स का सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 100%। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। और यहाँ पे जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं हमारे हैं नीरज चोपड़ा, आज की सेलिब्रिटी। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा की बात करें तो आप सबको मालूम है कि ये एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा साहब, राइट। और यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने एक और मेडल लाया, कहाँ से, लुसेन डायमंड लीग के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड में होती है। एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट जिन्होंने लुसेन डायमंड लीग के अंदर गोल्ड मेडल निकाला। और इनकी जो थ्रो थी, बेस्ट थ्रो थी 89.08 मीटर्स, याद रखिएगा। ही इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने यहाँ पे मेडल निकाला है, आज तक किसी इंडियन प्लेयर ने यहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं निकाला था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिसेंटली कंक्लूडेड विंटर ओलंपिक्स की। रिसेंटली तो नहीं, फरवरी के मंथ में हुई थी, इस साल हुई थी। और ये जो विंटर ओलंपिक्स 2022 हुई, ये हुई बीजिंग चाइना के अंदर, जो 4th से 20th फरवरी तक हुई। और यहाँ पे अराउंड 109 इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं अक्रॉस 15 डिसिप्लिन्स, और 7 स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए थे इस विंटर ओलंपिक के अंदर। नाउ यहाँ पे इन ओलंपिक्स में जो मेडल टैली में टॉप किया दैट वाज बाय नॉर्वे, नॉर्वे रहा नंबर 1 पे। और ठीक सेकंड सा ये टॉप टैली पे रहा, और टोटल 37 मेडल्स हमें देखने को मिलते हैं टू नॉर्वे, जिसमें 16 गोल्ड थे। और ये एक नया रिकॉर्ड है जिसमें सिंगल विंटर ओलंपिक्स में इतने सारे गोल्ड निकाले नॉर्वे ने, आज तक किसी कंट्री ने इतने गोल्ड एक साथ नहीं निकाले। और सेकंड टैली पे सेकंड रहे जर्मनी, जो अराउंड 27 मेडल्स लिए इन्होंने, और होस्ट नेशन था चाइना, और ये रहा थर्ड पे, जिनको मिले टोटल 15 मेडल्स। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कि टैली में टॉप किसने किया, दैट वाज नॉर्वे, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2022 की। अब नाम इसका है टोक्यो ओलंपिक्स 2022, बट हेल्ड हुआ 2021 में। और रीजन आप सबको मालूम है कि उस टाइम पे कोविड था, कोविड से हालत खराब थी, इसी कारण से इसे 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया। टोक्यो नाम है तो ऑब्वियस रीजन है कि ये कहां पे हुआ होगा, ये हुआ होगा जापान के अंदर। और इसकी ओपनिंग जो कि जापान के एम्परर नुराहितो साहब ने की। और यहाँ पे इंडिया जो कि 21st नंबर पे जिन्होंने मार्च किया, और इंडियन जो फ्लैग था वो था मैरीकॉम, इंटरनेशनल बॉक्सर, आपको मालूम है मैरीकॉम के बारे में। और मनप्रीत सिंह जो कि इंडिया की हॉकी टीम के कैप्टन हैं, ये दोनों फ्लैग बेयरर थे इंडिया के। और थीम रही टोक्यो ओलंपिक्स 2022 की मूविंग फॉरवर्ड, यूनाइटेड बाय इमोशंस। और टैली की बात करें तो यूएस टॉप द टैली विद 113 मेडल्स, और नंबर 2 पे रहा चाइना 88 पे। इस ओलंपिक्स के अंदर इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा, ये तो सबको मालूम है कि इन्होंने हिस्ट्री बनाई, गोल्ड मेडल जब निकाला जेवलिन थ्रो में ऑन 7th अगस्त 2021। अब ये डे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इंडियन के अंदर
एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 7 अगस्त को हम जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करेंगे इन द ऑनर ऑफ नीरज चोपड़ा। और यहां पे नीरज चोपड़ा सेकेंड इंडिविजुअल बने जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड निकाला आफ्टर अभिनव बिंद्रा, राइट। अब आप कहीं लोग बोलेंगे कि भैया हॉकी टीम ने भी निकाला है काफी पहले ध्यानचंद के टाइम पे, तो तब एक तो बात यह है कि वो इंडिविजुअल नहीं था, वो टीम गेम थी। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। तो नीरज चोपड़ा बिकेम द सेकंड इंडिविजुअल जिन्होंने ये गोल्ड मेडल निकाला। पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा की बात करें तो राइफल शूटिंग के लिए फेमस थे अभिनव बिंद्रा, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए इंडिविजुअल गोल्ड मेडल निकाला था। और साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जो इंडियन मेन हॉकी टीम थी इन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट की। 41 ईयर्स के बाद इन्होंने इस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल निकाला। पहले गोल्ड मेडल मिला करते थे अच्छे खासे, फिर हमारा जो हॉकी का स्तर है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, बट अब 41 ईयर्स के बाद इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, इंडियन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल निकाला। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भैया नेक्स्ट ओलंपिक्स कब होगा और कहां होगा? तो 2024 के अंदर पेरिस में नेक्स्ट ओलंपिक खेला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम रेसलिंग की। तो रेसलिंग की अगर बात करें तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में हुई बेलग्रेड में, और यहां पे दो लोग जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, बजरंग पुनिया साहब जिन्होंने 65 केजी कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल फॉर मेन निकाला फॉर इंडिया, जिसमें इन्होंने दौलत नियाजकोव जो कजाकिस्तान के प्लेयर थे इन्हें हराया था। और फीमेल के अंदर विनेश फोगट जो कि 53 केजी कैटेगरी में खेलती हैं, इन्होंने यूरोपियन चैंपियन एमा मेलग्रेन जो कि स्वीडन से हैं इन्हें हराया, और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो इंडिया इज प्राउड ऑफ बोथ द प्लेयर्स, मेल में बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल और फीमेल के अंदर विनेश फोगट अगेन ब्रॉन्ज मेडल, और ये दोनों वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 के अंदर निकाला है। आगे बढ़ते हैं, फीफा की बात करते हैं। अब फीफा की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर इंडिया इज दैट कि 2022 का जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप था ये इंडिया में होस्ट हुआ, राइट। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 3 टीमों ने इसमें अपना डेब्यू किया, जो थी मोरक्को, टेंजानिया और इंडिया। इससे पहले ये टीम्स फीफा वर्ल्ड कप वुमेन का नहीं खेलती, तो पहली बार इन्होंने 2022 के अंदर रजिस्टर किया अपने आप को। और इस कप के विनर रहे स्पेन, और इसका मैस्कॉट क्वेश्चन पूछा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो मैस्कॉट इसका है इबा। इबा इज एन एशियाटिक लॉयनेस। अब यहां पे जो नेम इबा है मींस वन विद गुड विजन और जजमेंट, और मेघालय की खसी लैंग्वेज में, खसी ट्राइब है वहां की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो वहां की लैंग्वेज के अंदर ये नाम काफी बार यूज किया जाता है। नाउ इसका स्लोगन क्या था 2022 फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप का? किक ऑफ द ड्रीम स्लोगन। और यहां पे एक नाम अगेन मनीषा कल्याण, ये इंडिया की फर्स्ट फुटबॉलर बनी टू प्ले एट UEFA विमेन चैंपियंस लीग। आज तक इस लेवल पे कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं पहुंचा है, तो मनीषा कल्याण का नाम याद रखिए। तो इन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज एन इंडियन प्लेयर प्लेड इन यूफा विमेन्स
चैंपियंस लीग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, और ये आएगा आपके एग्जाम के दिनों में फ्रॉम 20th November टू 18th December 2022। बैड न्यूज फॉर फुटबॉल फैंस, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे होंगे तब जेके सब इंस्पेक्टर का। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, पर फिफर आराम से करिएगा। और ये रहेगा अपना 22nd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, और हेल्ड कहाँ हो रहा है? कतर के अंदर। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस, जिन्होंने 21st एडिशन में, जो कि रशिया में खेला गया था, क्रोएशिया को हराया था फाइनल्स के अंदर। नाउ यहां पे फीफा 2022 के वर्ल्ड कप का जो मैस्कॉट है, दैट इज लाइव, अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सुपर स्केल्ड प्लेयर। भाई मैंने पहले भी बता रहा हूं आप लोगों को, ये मैस्कॉट को या तो टैटू बना लो या कुछ कर लो, ये याद रखने है आपने किसी भी तरीके से। नाउ यहां पे कुछ डिफरेंट चीज हमें देखने को मिलती है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी वर्ल्ड कप शुरू होता था तो एक सिंगल ट्रैक या सिंगल सॉन्ग उसका निकलता था। नाउ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड कप के अंदर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर, पूरा का पूरा ऑफिशियल साउंड ट्रैक रिलीज किया गया बाय द फीफा, राइट। जिसमें से जो पहला सॉन्ग है वो है हाया हाया, विच मीन्स बेटर टुगेदर। सेकेंड सॉन्ग इज अरेवो, और थर्ड सॉन्ग लाइट दी स्काई, जिसमें नूरा फतेह भी है, आप ये यूट्यूब पे सुन सकते हैं, राइट। नाउ आज के लिए हम इतना ही करेंगे कवर, और बाकी जो आपके करंट इवेंट्स की क्लास होगी वो रेगुलर चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जाने से पहले प्लीज चैनल पे और लोगों को ऐड कीजिए, जैसा कि सर ने बोला है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पे मैराथन पॉलिटी की क्लासेस चलेंगी, तो इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। लाइक वाइक तो आप करते रहते हैं, बाकी थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट।